आज मैं आपके साथ ग्लूटेन फ्री हेल्दी स्नैक्स रेसिपी शेयर करूंगी। स्पेशली बच्चों के लिए है ये। बच्चे नॉर्मली मेथी नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े ही चाव से खाएंगे और उनको बहुत ही पसंद आता है और टेस्टी होते हैं। इसमें मैंने 500 ग्राम मेथी लिया है। इसको अच्छे धो के काट लिया है बारीक। मेथी वैसे कड़वी होती है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट कड़वा नहीं आता है। मेथी को काट के इसको ना पहले भून लेना है। इस तरह से पकाएंगे ना मेथी को घी डाल के, तो उसका जो कड़वापन है ना वो नहीं रहता है। इसको भून लेना है और इसका बहुत ही हेल्दी स्नैक्स रेसिपी बनता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। ये मैंने बाजरे का आटा लिया है। आप चाहे इसकी जगह पर मैदा का आटा, मैदा भी ले सकते हैं या गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। फिर इसमें मैंने मसाले ऐड कर लिए हैं, जीरा, हल्दी, नमक, अजवाइन, सौंफ। फिर मैंने इसमें कलौंजी, सफ़ेद तिल, काले तिल ऐड किए हैं और एक चम्मच मैंने इसमें सूजी भी ऐड किया हुआ है। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी भी ऐड किया हुआ है। इनको अच्छे से मिक्स करके इसमें मैंने अदरक और लहसुन का भी पेस्ट डाला है। आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी, इसको नॉर्मली रखूँगी। फिर इसमें जो हमने मेथी भुना था ना, पकाया था, उसको ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके इसका एक डो बना देना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और हेल्दी और टेस्टी है। बच्चों को नॉर्मली है ना मंचिंग की आदत होती है, तो आप ये बना के रखेंगे ना ये ख़राब भी नहीं होता है। लॉन्ग टाइम तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे इसको बहुत ही चाव से खाते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बाजरा का आटा है और रागी का आटा, मैंने दोनों से बनाया है। मैं दोनों की रेसिपी आपको यहाँ पर शेयर करूँगी। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं ये और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे इसको बार बार मांग के खाएंगे। नॉर्मली बच्चे रागी का आटा और बाजरे का आटा ऐसे खाते नहीं हैं, की रोटी ऐसे खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरह से स्नैक्स बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से खाते हैं और हेल्दी भी होता है। इसी तरह मेथी भी खा लेते हैं वो। सेम थिंग मैंने बाजरे रागी के आटे से भी किया हुआ है। ये रागी के आटे में भी मैंने वही चीज़ें ऐड की हैं जो मैंने बाजरे के आटे में ऐड की थी। इसका भी सिंपल डो बना देना है और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसी समय बना दे सकते हैं। इस तरह से इसको सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने बाजरे के आटे में डाले हैं वही रागी के आटे में डाल के इसका भी डो बना देना है। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। इस तरह से रेसिपी बनाएंगे ना आप तो बहुत ही सिंपल। और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट में या चाय के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं आप इनको। नॉर्मली चटनी के साथ या अगर कुछ नहीं है तो ऐसे भी खा सकते हैं। डो बनाने के बाद इसको ऐसे बेल देना है रोटी की तरह, और फिर इसको आपको जिस तरह से शेप देना है, जैसे शेप आपको पसंद है, तो बच्चों को पसंद है उस तरह के शेप इसको दे देना है। मैंने फिलहाल इसका सिंपल पूरी के साइज़ का इसको कट कर दिया ग्लास से। अगर आप सिंपली ऐसे बेल सकते हो तो बेल लेना उसको। मैंने इस तरह से उसको काट दिया है। इस तरह से मैंने सभी का कर लिया था। और अलग अलग शेप के बनाएंगे ना तो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और खाने में उनको बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल है ये और बहुत हेल्दी और टेस्टी है। एकदम से मतलब क्रिस्पी होते हैं तो बच्चे इनको इतने मन से खाते हैं ना और बार बार मांगते हैं। फिर इनको तल लेना है। गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। लो पे रखना है या लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है गैस को। फिर इनको उलटते पलटते पका लेना है और फटाफट बन जाता है ये। बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हैं ये। नॉर्मल बच्चों को कुछ ना कुछ खाने की बार बार इच्छा होती रहती है, तो इस तरह से आप बना के रख देंगे ना तो इजी रहता है उनको खिलाने के लिए। और क्रिस्पी होते हैं और एकदम से मस्त होते हैं ये। इसी तरह से मैंने रागी के आटे का भी कर लिया था। इसको मैं थोड़ा शेप मैंने अलग काट दिया था। फिर इनको भी तल लेंगे। रागी के आटे का तो बहुत ही और ज़्यादा टेस्टी होता है ये। इसका कलर भी चॉकलेट के जैसा लगता है, तो उनको ऐसा लगता है जैसे चॉकलेट खा रहे हैं। और मेथी का कड़वापन नहीं आता है उसमें, बहुत क्रिस्पी होते हैं।
और बिलीव कीजिए आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये, और हेल्दी तो है ही, बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में भी, और बच्चों को ये दिखने में ही बहुत पसंद आता है, तो खाने में वो और बार बार मांगेंगे। आप एक बार बना के देखेंगे ना तो बच्चों को बहुत टेस्टी लगेंगे और बार बार बनाने के लिए बोलेंगे आपको। इस तरह से आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, या नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं।